दोस्तों, तो मेरा नाम विक्रम कुमार, आपका स्वागत हो मेरे YouTube चैनल मैथ वाला में। तो आई होप के जितने मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। तो हमने बहुत सारे जैसे बहुत सारे पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे एलसीएम पढ़ा, एचसीएम पढ़ा। अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज लाल बटन को दबा दें और मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें और बेसिक मैथ सीखें, ठीक है। तो जैसे हमने, अगर आप चैनल में न्यू हैं और आपको एलसीएम और एचसीएम का नहीं पता है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा और उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फिजिक्स बेसिक मैथ में। हम आज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादातर वही यूज होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है अलजेब्रा। क्या? अलजेब्रा। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा है तो नाम भी बड़ा होना चाहिए। ओके, अब देखो मैं एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं। हम जैसे मैंने डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, या एक्सपेंशन का मतलब क्या है, या एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अर्थमेटिक का मतलब क्या है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमेशा हमें छोटी सी चीजें जो कॉन्सेप्ट के क्लियर करने के लिए छोटी सी चीजें होती हैं उनको हमें क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे लोग बोलते हैं कि आपकी बेसिक मैथ अच्छी है तो आपकी एडवांस मैथ भी अच्छी होगी, तो इसी तरह हम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये अलजेब्रा भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन। क्या? अब एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिए, छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल, बिल्कुल प्यारा सा एग्जांपल। तो उस एग्जांपल में सपोज करो कि मेरे पास एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, ठीक है, एक फर्श है। मैंने क्या किया, पानी उस फर्श पर डाला, तो क्या होगा, पानी धीरे 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 क्या होने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा। तो जो एक्सपेंड है वो वर्ब है, लेकिन जो यहाँ एक्सपेंशन है वो क्या है, नाउन है। तो एक्सपेंशन का मतलब है फैलाव, फैलना। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, मतलब के कहाँ तक फैला हुआ है पानी, कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोलेंगे। एक्सटेंशन या एक्सपेंशन का मतलब सेम ही है, फैलाव। ओके, जैसे सपोज करो दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, जैसे हमारे आजकल 2021 में जैसे हमारा क्या हुआ कि पहले कोरोना आया था, किसमें, चाइना में आया था, लेकिन धीरे 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 एक्सपेंशन बढ़ी उसकी। क्या बढ़ी, एक्सपेंशन। हालांकि हमें पता नहीं है वो कहाँ तक बढ़ेगा, हालांकि हमें पता नहीं है कि वो कहाँ तक बढ़ेगा, उसकी एक्सपेंशन कहाँ तक होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वो फैल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसकी एक्सपेंशन है। समझ में आया? तो इसी तरह अब इसे बोलते हैं, जैसे जो हमने पढ़ा कि एक्सपेंशन और एक्सटेंशन किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक, बिल्कुल आसान बस। अर्थमेटिक हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही यूज करते हैं, अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक का मतलब समझे, अर्थमेटिक को नंबर भी कहा जाता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 25 by 100 by 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम अर्थमेटिक बोलेंगे। अब अर्थमेटिक दूसरी और चीज को भी बोला जाता है,
किसको? देखिए, अगर हम दो या दो से ज्यादा क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल यूज कर रहे हैं नंबर्स में, फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं। जैसे हम सपोज करो सॉल्व करते हैं कि 1 10 + 5 = 15, 3 - 4 / 2 × 2 आंसर क्या आएगा? अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें हम सिर्फ फंडामेंटल ऑपरेशंस ही यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक आम तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, ऑर्डिनरी तरीका, जिसको आम लोग भी कर सकते हैं। क्या आम लोग भी कर सकते हैं? उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक, जिसे आप ऑर्डिनरी मेथड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? आप ऑर्डिनरी मेथड भी बोल सकते हैं इसको। अब अर्थमेटिक ये हो गए कि कोई भी नंबर हो, या ऐसा नंबर हो या ऐसा नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, याद रखना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक बोलेंगे। अब ये हमारा था अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अलजेब्रा की तरफ। अर्थमेटिक आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो अब आते हैं अलजेब्रा की तरफ, जो हमारे टॉपिक है और इस वीडियो का सबसे अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट है। और याद रखना कि इस वीडियो में सिर्फ मैं अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, सपोज करो कि एक लड़की है और एक लड़का है। एक लड़की है, उसका नाम है सानिया, और एक लड़का है, उसका नाम है रविंद्र। ठीक है, अब रविंद्र के पास ऐसे रविंद्र, ये दोनों यानी कहीं बैठे हुए हैं, टेबल रखी हुई है वहीं पर। वहां क्या हुआ, रविंद्र ने बताया कि मेरे पास 5 टॉफीज हैं। क्या है टॉफीज की स्पेल पता नहीं क्या है, आप बस समझ जाएं कि टॉफीज हैं, कितने 5 टॉफीज हैं। अब सानिया ने कहा कि मेरे बैग में टॉफीज हैं। अब सानिया ने कहा कि मेरे बैग में टॉफीज, उसने ये नहीं बताया कि कितनी हैं। क्या उसने ये बताया कि मेरे बैग में टॉफीज हैं? उसने ये नहीं बताया कि 5 टॉफी हैं, 10 टॉफी हैं, 7 टॉफी, 8 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, ये उसने बताया ही नहीं। सिर्फ उसने कहा कि मेरे बैग में टॉफीज हैं। तो हमने क्या किया कि उन टॉफीज की जगह हमने एक सिंबल रखी, एक अल्फाबेट लेटर्स रखा, हमने अल्फाबेट के लेटर्स रखे। देखो, मैंने कहा कि सानिया के पास एक ट्रॉफीज हैं, हमें पता नहीं है कि वो ट्रॉफीज कितनी है, 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, हमें उसकी एक्सपेंशन पता नहीं है, वो अर्थमेटिक कहाँ तक होगी वो हमें पता ही नहीं है। तो हम उसे बोलेंगे जो ये जो शो कर रहा है, किसी अर्थमेटिक की जगह हम रख रहे हैं, उस नंबर की जगह रख रहे हैं, उन ट्रॉफीज की जगह रख रहे हैं जो सानिया के बैग के अंदर है, उसको हम बोलेंगे एक्स, हमने नाम रखा उस पर, और इसी को हम बोलेंगे अलजेब्रा। क्या बोलेंगे? अलजेब्रा। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। अलजेब्रा किसने, ये मैंने बताना भूल गया कि अलजेब्रा किसने इंट्रोड्यूस किया था, इब्ने मोहम्मद मूसा अल ख्वारज्मी, उन्होंने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। अब अलजेब्रा कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया, देखो उन्होंने क्या किया कि हम पिछले जमाने में बहुत पीछे जाएंगे हम, तो हम क्या करते थे कि चीजों को 1 2 3 4 5 6 7 8 से मतलब कि गिनते थे। ठीक है, हम कहीं भी देखते थे, जैसे सपोज कर मैंने कहा कि 3 + 5 = 8 आया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 3 + x = 5 है, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो नंबर जोड़ा ना,
इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नंबर है ना वो अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ नंबर कौन सा होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने कहा अलजबरा। क्या कहा? अलजबरा। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल मेरा सुन लिया। देखो सपोज करो कि एक बंदा है, सपोज करो एक इब्ने मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज्मी है और एक बंदा है, वो दोनों क्या बैठे हैं, समंदर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस बंदे के पास जो दूसरा बंदा है, ठीक है, उसके पास है 5 मछलियां उसके बाल्टी में। उसने कहा कि यार 5 मछलियां मेरे बाल्टी में है। ठीक है, अब इब्ने मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज्मी ने सोचा, ये सिर्फ मैं कहानी सुना रहा, सोचा कि यार बाल्टी में 5 मछलियां हैं तो उनको हम नंबर एक डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर समंदर में इतनी सारी, बहुत सारी मछलियां हमें पता ही नहीं है तो फिर उनको हम कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि समंदर के अंदर एक्स मछलियां हैं, मतलब कि हमें पता नहीं है कि एक्स की जगह कितना होगा। 1000 भी मछलियां हो सकती हैं, 1000 भी हो सकते हैं, बिलियन भी हो सकती हैं, ट्रिलियंस भी हो सकती हैं, और भी 10^9, 10^11, 10^12 कोई भी हो सकती है, आगे मुझे नाम नहीं आ रहे, तो इस वजह से बहुत सारी हो सकती हैं। तो जो हम नंबर रखते हैं एक्स, उसको ही अलजेब्रा का नाम दिया जाता है, याद रखना। अब इसमें क्या है, सपोज करो मैंने कहा कि x+5 = 8 है, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो -5x = 3, तो हमें अननोन नंबर पता चल गया। हालांकि हमें पता नहीं था कि यहाँ 3 होगा, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि वाकई यहाँ तो 3 है। तो इसी तरह जो ये कॉन्सेप्ट है, ये है अलजेब्रा का, कि हमें कोई चीज पता नहीं होता, उस वजह से हम क्या करते हैं कि उस जगह पर कोई नंबर रख देते हैं, या कोई सिंबल रख देते हैं, या कोई क्या करते हैं, ट्रायंगल रख देते हैं, और उसमें वैल्यू नहीं रखते हैं। जैसे में कहीं कहीं क्या होता है कि इसी तरह लिखा हुआ था 6। अब इसका हमें बताना है कि यहाँ नंबर कौन होगा, वैसे आप बता देंगे कि यहाँ 1 होगा, लेकिन ये नंबर क्या है, अननोन है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे, 6 में से माइनस कर देंगे और 1 मिल जाएगा, तो हम 1 पता चल जाएगा कि यहाँ 1 मौजूद है। लेकिन अगर हम बोलें कि सानिया के बैग के अंदर कितनी ट्रॉफी है, तो हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, अलजबरा ही। तो ये था हमारा अलजबरा का कॉन्सेप्ट। आई होप कि अलजबरा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता कि अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे लाल बटन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप तक हर बार हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।